भिवाड़ी थाने में गत 27 जनवरी को एक मामले में अपनी फरियाद लेकर आई एक सिख समाज की महिला के साथ थाने के पुलिस हेड कांस्टेबल शिव कुमार के द्वारा की गई मारपीट के मामले में लगातार भिवाड़ी के थाना अधिकारी को निलंबित करने की मांग की जा रही है। इस मामले में सिख समाज के लोगों का आरोप है कि कांस्टेबल के द्वारा थाना अधिकारी के कहने पर ही महिला के साथ मारपीट की गई थी। इसको लेकर बुधवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को दिल्ली पहुंचकर एक पत्र दिया और भिवाड़ी थाना एसएचओ को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की मांग की है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को दिए गए मांग पत्र के माध्यम से बताया कि 27 जनवरी को भिवाड़ी थाने के हेड कांस्टेबल शिव कुमार और एसएचओ ने पार्षद नेकचंद के कहने पर भिवाड़ी के रामपुर की रहने वाली रज्जो और उसके पति सतनाम सिंह सहित जय जठानी को थाने में बेवजह बुलाया। थाने में पार्षद नेकचंद भी मौजूद था। उसके कहने पर हेड कांस्टेबल शिव कुमार ने रज्जो व उसकी जेठानी को गाली गलौज करते हुए थप्पड़ मारे व लज्जा भंग की। साथ ही रज्जो के पति व जेठ को हेड कांस्टेबल शिव कुमार ने पार्षद नेकचंद के कहने पर बिना वजह मारपीट करते हुए थाने में बंद कर दिया। इसकी शिकायत करने पर पीड़ित जब एसपी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने थानेदार को शिकायत करने को कहा। जब इस घटना की शिकायत एसएचओ से की गई तो एसएचओ ने भी अभद्र व्यवहार कर धक्का देकर थाने से भगा दिया। इस घटना की जानकारी जब भिवाड़ी एसपी को मिली तो एसपी ने हेड कांस्टेबल शिव कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया, लेकिन एसएचओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि भिवाड़ी थाने का एसएचओ और पार्षद की मिली भगत से ही यह पूरा घटनाक्रम हुआ था। उसके बाद जब 30 जनवरी को बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक सिख और पंजाबी समाज के लोगों ने एसपी कार्यालय के बाहर 3 घंटे धरना प्रदर्शन किया तो एसपी ने भिवाड़ी एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक भी एसएचओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पूरे घटनाक्रम की उच्च अधिकारियों से जांच करवाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करवाने की मांग की गई है।